हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बहुत ही कमाल की न्यूज रहने वाली है। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन भी ऑल पे कर दे ताकि डेली बेसिस पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपडेट्स और हाइलाइट्स का नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिल सके। तो सबसे पहले हमारे पास न्यूज रहने वाली PMGO 2024 क्वालिफाइज फाइनल्स के रिलेटेड, जिसके अंदर कुछ साउथ एशिया सेंट्रल साउथ एशिया से दो टीम्स क्वालिफाई हुई हैं। एक तो रहने वाली होड़ा स्पोर्ट और सेकेंड रहने वाली स्काईफोर्स। जो स्काईफोर्स रहने वाली है वो टीम फाल्कन के टैग से खेलेगी। सबसे पहले मैं बता दूं, आज डे वन रहने वाला है। टोटल 3 दिन का ये क्वालिफाइज फाइनल्स रहने वाले हैं। जो डे वन और डे टू के अंदर आपको 32 टीम्स देखने को मिल जाएंगी, दो ग्रुप्स देखने को मिल जाएंगे, पर ग्रुप के अंदर आपको 16 टीम्स देखने को मिल जाएगी। ग्रुप ए के अंदर आपको होड़ा स्पोर्ट्स और ग्रुप बी के अंदर आपको टीम फाल्कन देखने को मिल जाएगी। 16 टीम्स पर ग्रुप आपको खेलते हुए नजर आएंगी। पर ग्रुप से टॉप 8 टीम्स क्वालिफाई होंगी डे 3 के लिए। आपको पर डे आपको 5 मैचेस देखने को मिल जाएंगे और डे 3 के अंदर आपको टोटल 16 टीम्स देखने को मिल जाएगी। जो पर ग्रुप से टॉप 8 टीम्स क्वालिफाई होंगी वो डे 3 खेलेंगी। देन डे 3 के अंदर आपको 6 मैचेस देखने को मिल जाएंगे और 6 मैचेस के अंदर जो भी टॉप 1 आएगा वो क्वालिफाई होगा मेन इवेंट के लिए, और जो टॉप 2 से लेकर टॉप 9 प्लेस में आएगा वो क्वालिफाई होगा प्रीलिम्स के अंदर। प्रीलिम्स के अंदर ऑलरेडी टॉप 16 टीम्स इनवाइटेड रहने वाली हैं, वहां से टॉप 8 टीम्स क्वालिफाई होंगी मेन टूर्नामेंट के अंदर। मैं आपको बताता चलूं, जो डे 1 रहने वाला है और डे 2 रहने वाला है वो स्ट्रीम नहीं होगा, लेकिन जो डे 3 रहने वाला है जिसके अंदर टीम्स क्वालिफाई होकर डे 3 के अंदर जाएगी वो आपको लाइव देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास रहने वाली आई8 स्पोर्ट्स के रिलेटेड। आई8 स्पोर्ट्स रिसेंटली PSF के मैचेस खेल रहे थे, जिसके अंदर उन्होंने बैक टू बैक दो चिकन रेन निकाल के टॉप 1 पे वो टूर्नामेंट को क्वालिफाई कर लिया है। उसके हाईलाइट्स भी मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ। जो टीम आई8 रहने वाली जोन के एच के अंदर मौजूद रहने वाली, टू के स्पीड में रहने वाली, तो ऐसा किसी भी टीम की इसी नहीं जरूरत नहीं होगी कि वो टीम आई8 को बीच आउट करें और यहाँ पर जोन ले सके। यहाँ पे की तरफ से नेट आता है और इसी के साथ रहने वाली है। पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किया था, इस मैच में उनको टीम आई8 के साथ फाइट लेनी पड़ेगी। एक प्लेयर को नॉकडाउन किया जाता है, दूसरे प्लेयर को उतारा जाता है बग्गी से। लास्ट प्लेयर रह चुके हैं फॉर विर्चुअस के, जो के रहने वाले ईगल, और इसी के साथ साथ फॉर विर्चुअस के ईगल ने एक फ्लैग को नॉकडाउन किया था। टीम आई8 के खिलाड़ी वो बिल्कुल भी मुश्किलात के अंदर नहीं डाले जाते। टीम 1v4 के खिलाड़ी उनको मौका दे देते हैं, वो अंदर आने की कोशिश में कामयाब होते हुए दिखाई दी जाएंगे। और अब यहां पर एक शिफ्ट आता हुआ, अगले प्लेयर्स का एग्रेस वो आता हुआ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, वहीं पर उनको भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और ये चिकन डिनर जाता हुआ टीम एगोनेक्स आई8 के पास। काफ़ी शानदार ये टीम खेल कर जाती है और आज के दिन का अपना दूसरा जो पॉइंट है वो भी सिक्योर कर लिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली टाइसन आपको अभी के लिए बोलते हुए नज़र आ रहे हो, ज़रूर से होंगे बट उनकी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही होंगी, तो आई गेस थोड़ा सा सिग्नल्स का इशू रहेगा कि इसी के साथ साथ जो PSF के जो रिजल्ट्स रहने वाला है उसके अंदर आपको आई8 48 पॉइंट्स के साथ देखने को मिल जाएगी। H1 इसी के साथ साथ 4 वाइकिंग्स, H2 पे, H3 पे रेवोल्यूशन, H4 पे ओनली गेमिंग, तो इसी के साथ साथ H8 तक आपको वार स्पोर्ट देखने को मिल जाएगी। टोटल आपको मैं इसका रोड मैप समझा देता हूँ। टोटल आपको क्वालिफायर्स के 10 ग्रुप्स देखने को मिले थे, जिसके अंदर 160 टीम्स ने रजिस्टर किया था, और उसके अंदर जो टॉप 8 टीम्स रहने वाली थी पर ग्रुप से वो क्वालिफाई हो चुकी है सेमीफाइनल्स के लिए। आपको मैं बताता चलूँ, इलाइट्स टीम में टीम R3G, 7th एलिमेंट जो कि अब 52 स्पोर्ट्स के टैग से खेल लिया, टीम रेज, टीम 141, टीम आई8, इसी के साथ साथ गट्स एंड ग्लोरी और बहुत सी टीम्स क्वालिफाई हो चुकी है। रिजल्ट्स देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, सेमीफाइनल्स के मैचेस आज से स्टार्ट होंगे। टोटल आपको 5 ग्रुप्स देखने को मिल जाएंगे और हर ग्रुप से जो टॉप 3 टीम्स क्वालिफाई होंगी फाइनल्स के लिए। फाइनल्स के अंदर आपको 15 टीम्स देखने को मिल जाएगी और टॉप 1 टीम्स क्वालिफाई होगी रीजनल क्वालिफायर्स के लिए। मैं आपको बताता चलूँ, रीजन क्वालिफायर्स रहने वाले हैं उसके अंदर आपको एशिया रीजन की टीम देखने को मिल जाएगी। अभी ये पाकिस्तान क्वालिफायर्स हो रहे हैं, हर क्वालिफायर्स के बाद जो जितनी भी कंट्रीज रहेंगी उनके क्वालिफायर्स होंगे। जो पाकिस्तान के क्वालिफायर्स रहने वाले हैं वो एशिया क्वालिफायर्स में होंगे। उसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ, नेपाल, मंगोलिया, सेंट्रल साउथ एशिया की जितनी भी टीम कंट्रीज रहने वाली उनकी जो टॉप 1 टीम रहने वाली वो क्वालिफाई होंगी। देन वहाँ से जो टॉप 6 टीम्स होंगी वो
क्वालिफाई होगी वर्ल्ड ईस्पोर्ट चैंपियनशिप 2024 के लिए, जिसका मेन इवेंट आपको रियाद में ऑफलाइन देखने को मिल जाएगा, जिसका टोटल प्राइस पूल आपको 1,30,000 यूएस डॉलर देखने को मिल जाएगा 11 नवंबर से लेकर 19 नवंबर को देखने को मिल जाएगा। लेट्स सी पाकिस्तान से कौन सी वाही टीम रहती है जो कि क्वालिफाई होती है वर्ल्ड ईस्पोर्ट चैंपियनशिप 2024 के लिए। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक और कर देना चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।